हमारे साथ है राजा जी, हमारा दैनिक सवेरे से बात करने के लिए शुक्रिया। राहुल जी से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे, किन किन चीजों के बारे में बात हुई? राहुल जी ने कहा है कि आप अपनी भूमिका निभाएं एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट। उन्होंने हमें बधाई दी, हम सब लोगों ने उनका धन्यवाद दिया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि एक नया दौर होगा, नई कांग्रेस होगी। जो कांग्रेस की हमेशा राहुल गांधी जी कहते हैं कि पिछली कतार के व्यक्ति को कांग्रेस नेता को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, वो हम काम करेंगे। मेरा ये सपना है कि लोग ये कहें कि ये नई कांग्रेस है और कांग्रेस जो बरसों से चाहती थी वो मॉडल पंजाब में लागू हो। राजा वडिंग जो दिल्ली के यूथ कांग्रेस में नेशनल प्रेसिडेंट थे, वहां से लेके पंजाब का सियासी सफर एक नई चुनौती, खासतौर से ऐसे वक्त में जब आपकी पार्टी पंजाब में गुटों में बटी हुई है, तरह तरह की बयानबाजी लोग कर रहे हैं और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आप तो जानते हैं मैं तो चुनौतियों से भरा मेरा जीवन है। 2012 के अंदर उस सीट से चुनाव लड़ाया जो कभी जीती नहीं थी, 46 ईयर्स के बाद, 40 साल के बाद, गिदड़बा। फिर ऑल इंडिया का अध्यक्ष तब बनाया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बिल्कुल गए अभी थोड़े दिन हुए थे, और फिर 5 साल फिर नहीं रहा, केवल 3 महीने मौका मिला एज ए मिनिस्टर। और जो माफिया कहते थे मैं, वो माफिया को तोड़ा मैंने। और इस बार का फिर इलेक्शन जो था वो चुनौतियों भरा था, मालवा सारा पर खच्चे उड़ गए। और फिर जब बादल और सब लोग वो ये चाहते थे कि इसको हराना है, कुछ अपने भी चाहते थे, इसके बावजूद भी लड़के जीत के आए। और अब फिर मेरे को तो उल्टा, मैं बना ही इसलिए हूँ, आदमी वो जो चुनौतियों का सामना करे, वो आदमी नहीं है जो घर बैठे आराम से। राजा ज्यादा सवाल नहीं, एक आखिरी सवाल, इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे जब आपके खुद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर अभी अनुशासनात्मक समिति की मीटिंग हो रही है और वो जिस तरह से बयान दे रहे थे, सिद्धू जी का बयान, चन्नी जी कुछ दिन पहले राहुल जी से मिलके गए, कैसे करेंगे? देखो, जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजा वड़िंग हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, चाहे मैं हूं। बेशक पीसीसी प्रेसिडेंट अगर अनुशासन में नहीं रहता है, यही हमारी कमजोरी रही है पार्टी की, तो जाखड़ साहब पे होना चाहिए। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जाखड़ साहब, मैं जाखड़ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट अनुशासन में नहीं लोग रहते, जो भी अनुशासन के बाहर हो व्यक्ति, चाहे कितने भी बड़ा हो, उसको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। साफ तौर से राजा वडिंग, जिसको आप देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी से मुलाकात करके निकले हैं, उन्होंने कहा कि आज के बाद एक नई शुरुआत हुई है पंजाब कांग्रेस में और इसमें अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो राजा वडिंग ही क्यों ना हो। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।